हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हम द फिश टेल, ये जो हमारा चैप्टर वन है, उसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले जो जो क्वेश्चंस है 1 to 9, अगर वह जो आप वो क्वेश्चन आपको देखने होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके वह इससे पहले के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इस वीडियो में देखते हैं। तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, राजेश टूक अ लोन ऑफ ₹9,850 फ्रॉम द बैंक। राजेश ने 9,850 रुपीज़ का लोन लिया है। ही पेड बैक 12,240 टू द बैंक इन 1 ईयर, गिविंग इक्वल अमाउंट इन ईच मंथ। एक साल में उसने क्या किया, 12,240 रुपीज़ बैंक को लौटा दिए, पर कैसे, इक्वल अमाउंट ईच मंथ, थोड़े थोड़े करके, मतलब हर महीने, मतलब 12 मंथ में इक्वल अमाउंट देके ये पूरे कितने बैंक को लौटा दिए, 12,240 रुपीज़ EMI उसने लौटा दिया। अब हमें क्या पूछा है, हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही रिटर्न, तो उसने कितना रिटर्न भरा है, इंटरेस्ट रिटर्न किया है। हाउ मच डिड ही पे बैक एवरी मंथ, वह और वह हर महीने कितने पैसे भरता था, यह हमें ढूंढना है। तो फिर कैसे ढूंढेंगे, पहले इंटरेस्ट कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। उसने उसने बैंक से लिए थे 9,850 और लौटा दिए 12,240। देखिए, बैंक से लिए 9,850 और लौटा दिए 12,240, मतलब 9,850 से जितने पैसे उसने ज़्यादा दिए वो होगा उसका इंटरेस्ट। तो फिर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जितने पैसे उसने लौटा दिए वो जो अमाउंट है उससे, उसमें से जितने पैसे उसने लोन के लिए थे लोन के लिए वो माइनस करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जितने पैसे ज़्यादा दिए थे वो होगा उसका इंटरेस्ट। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 12,240 माइनस 9,850, यहाँ पे लिखते हैं 12,240 माइनस 9,850, और इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आता है, देख दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 12,240 माइनस 9,850, 0 माइनस 0 0, 4 से 5 ग्रेटर है, 1 लिया, यहाँ पे 1 बचा, 14, 14 माइनस 5 9, 1 से 8 ग्रेटर है, यहाँ से 1 लिया, यहाँ पे 1 बचा, 11 माइनस 8 3, ओके। यहाँ पे 1 है, यहाँ से 1 लिया, 11 होगा, 11 माइनस 9 2 आएगा, 2,390, कितना इंटरेस्ट उसने भरा, 2,390, यहाँ पे लिखते हैं 2,390 रुपीज़, ओके। अब हमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें ही उसने मंथली कितने पैसे पेड किए, मतलब इसने हफ्ता कितना भरा। ही पेड बैक 12,240 टू द बैंक, टोटल उसने इतने पैसे भरे हैं। और हमें लास्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही रिटर्न, वो हमने निकाला। और हमें आगे पूछा है, हाउ मच डिड ही पे बैक एवरी मंथ, तो वह हर महीने कितने पैसे भरता था। तो फिर हम लिखे यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ही पेड एवरी मंथ, टोटल उसने कितने भरे, 12,240, और कितने महीने तक पैसे भरे, पूरे 1 साल, तो उसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, हर एक महीने उसने कितने पैसे भरे वो हमें मिलेगा। तो फिर यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 12,240 डिवाइड बाय 12, 12 वन ज़ा 12, 12 माइनस 12 0, वहाँ से लिया 2, 12 0 ज़ा 0, 2 माइनस 0 2,
वहाँ ऊपर से लिया 4, 12 टू ज़ा 24, 24 माइनस 24 जीरो, यहाँ से लिया 0, 12 जीरो ज़ा 0, तो वह हर महीने कितने पैसे भरता था दोस्तों, 1020, कितने पैसे भरता था, 1020, ओके। तो फिर फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पे नीचे, हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, ही पेड रुपीज 2390 एज इंटरेस्ट, और ही पेड रुपीज 1020 मंथली, ओके। ऐसे इसका आंसर हमें लिखना है, ऐसा ही सॉल्व करना है। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन अ स्कूल देर आर 10 क्लासेस, एक स्कूल में 10 क्लासेस है। ईच क्लास हैज 4 सेक्शंस एंड ईच सेक्शन हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इफ ऑल टूगेदर देर आर 1600 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच सेक्शन ऑफ अ क्लास। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, स्कूल में 10 क्लास है और 10 क्लास के अंदर 4 सेक्शन है, हर एक क्लास के 4 सेक्शन है, 4 डिवीजन है। ईच सेक्शन हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ईच सेक्शन में हर एक सेक्शन में इक्वल नंबर के स्टूडेंट है। इफ ऑल टूगेदर देर आर 1600 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच सेक्शन ऑफ अ क्लास। तो हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स है हमें ढूंढना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट दिए हमें, हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे वह हमें पहले ढूंढना पड़ेगा, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स आएंगे वह ढूंढेंगे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे फिर पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स है टोटली, 1600। नंबर ऑफ क्लासेस कितने क्लासेस है टोटल, 10। तो फिर यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स है ये हमें ढूंढना है। तो फिर हम कैसे करेंगे, 1600 डिवाइडेड बाय 10, अगर 10 से 1600 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 10 वन जा 10 है ना, 10 सिक्स जा 60, 10 जीरो जा 0, हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 160। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेक्शंस इन ईच क्लास, कितने सेक्शन है ईच क्लास में, 4 है। अब लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, ईच क्लास ईच सेक्शन, अभी सेक्शन के स्टूडेंट्स ढूंढने हमें, ईच सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, ओके। एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, 160 है, और एक क्लास में कितने सेक्शन है, 4 सेक्शन है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 4 जा 16, 4 जीरो जा 0, तो फिर ईच सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 40 स्टूडेंट्स होंगे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे देयर विल 40 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, ओके। तो फिर इस तरह ये आंसर सॉल्व करना है, ओके। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इन अ विलेज कोऑपरेटिव बैंक वॉज सेटअप विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स। एक विलेज में कोऑपरेटिव बैंक शुरू की गई है। देयर वेयर 2500 एक्टिव मेंबर्स इन द बैंक। बैंक में एक्टिव मेंबर्स कितने हैं? 2500। एंड द कैपिटल ऑफ द बैंक वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इट्स मेंबर्स। ईच मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हर एक मेंबर ने इक्वल नंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इक्वल नंबर के पैसे दिए है। द टोटल कैपिटल ऑफ द बैंक एट द टाइम ऑफ ओपनिंग वॉज 1,75,000। फाइंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर। बैंक का टोटल कैपिटल है 1,75,000। और ये 1,75,000 रुपीज कैसे बने हैं? 2,500 लोगों ने इक्वल नंबर के पैसे दिए हैं, तब जाके ये 1,75,000 रुपीज बने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से 3 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहले टोटल कैपिटल लिखते हैं 1,75,000। यहाँ पे लिखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ बैंक। बैंक का टोटल कैपिटल कितना है? 1,75,000 है। ओके, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने हैं टोटल मेंबर्स? 2,500। अब हमें क्या ढूंढना है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर। यहां पे लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर। ओके, तो फिर यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? 1,75,000 को 2,500 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर डिवीजन कर लेते हैं, यहां पे डिवीजन कर लेते हैं। यहां पे 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2,500। ओके, तो फिर 2,500 का टेबल कैसे करते हैं, देखते हैं। 25 का टेबल लिखते हैं पहले। उस 25 3 75, 25 4 100, 25 5 125, 25 6 150, 25 7 175। और 2,500 का टेबल है इसलिए उसके आगे दो दो जीरो देते हैं। ओके, तो फिर क्या आएगा देखिए, यहाँ पे 25 7 17,500 आएगा। 25 7 17,500, 0 0 0 0 0, ऊपर से लिया 0, 2,500 0 0 0 - 0 0। तो फिर हर एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ दोस्तों? 70 रुपीज हो गया। कितना हो गया? 75 रुपीज हो गया, सॉरी 70 रुपीज हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर इज टू 75 रुपीज। कितना हो गया? 75 रुपीज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर वॉज, सॉरी 75 नहीं, यहाँ पे 70 रुपीज। कितना हो गया? 70 रुपीज। तो इस तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर लिखना है। दोस्तों अभी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। आपको अगले लेसन के अगर क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।